इस क्वेश्चन में कह रहा है, टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 1:27। आगे कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। ओहो, न्यूक्लियर डेंसिटीज का रेशियो पूछ रहा है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी ना हर एटम के लिए सेम रहती है, भले उसका मास नंबर कुछ भी हो। न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पर इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1:1। ठीक ना, देखो न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू 3m/4πr₀ का क्यूब। तो अब इस फॉर्मूले को देखो, इसमें कहीं पे भी मास नंबर जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। ये प्रूफ भी लास्ट ईयर पूछा गया था सीबीएसई में, कि प्रूफ दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक ना, ये क्लियर है। तो इसका आंसर 1:1 होगा, कोई भी एटम दे दे, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक ना, तो 1:1 आंसर लिख के आना, कुछ भी दे दे। क्लियर।